तो आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कंडीशंस एंड वारंटीज। कंडीशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट की होगी वो बहुत मेन पर्पस होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अ कंडीशन इज अ स्टिमुलेशन, मतलब कि जो स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट को, एसेंशियल टू द मेन पर्पस। जो भी मेन पर्पस है उसके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है कंडीशन। जहां तक बात आती है वारंटी की, उसके बारे में हम नेक्स्ट करते हैं, पहले कंडीशन को लेते हैं, ठीक है। कंडीशन एसेंशियल है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी बात ये आती है कि अगर उस कंडीशन का ब्रीच हो जाता है, अगर उस कंडीशन को नहीं माना जाता या कोई भी पार्टी उसका ब्रीच करती है, तो जो भी एग्रीड पार्टी होगी उसके पास क्या राइट होगा। गिव्स द एग्रीड पार्टी अ राइट, और वो क्या राइट है, टू रेपिडाइट, यानी कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, ठीक है, और कैंसिल दी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, राइट टू कैंसिल दी कॉन्ट्रैक्ट एंड टू क्लेम डैमेजेस, डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है, क्योंकि बहुत एसेंशियल होता है कंडीशन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वारंटी जो होता है वो कोलैटरल होता है, मेन पर्पस नहीं होता, बट उसको एक सेकेंड इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है, कोलैटरल टू द मेन पर्पस। यहाँ पर अगर ब्रीच हो जाता है वारंटी का तो यहाँ पे कैंसिल नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट, या फिर हम गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर देते, बट जो भी एग्रीड पार्टी है वो डैमेजेस जरूर क्लेम कर सकती है। तो अगर ब्रीच हुआ, इट इज कोलैटरल, एंड द सेकेंड थिंग, अगर ब्रीच हुआ तो आपके पास क्या राइट होगा, राइट टू क्लेम डैमेजेस, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अ ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। यहाँ पर अगर कंडीशन ब्रीच हो गई तो हम बोल सकते हैं कि जो वारंटी है यानी जो कोलैटरल है मेन पर्पस का, वो भी उसका भी आपने ब्रीच किया है। यहाँ पर कई कई सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर हम ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ही मान लेते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। अगर आप कह सकते हो कि अगर ब्रीच ऑफ वारंटी है तो क्या वो ब्रीच ऑफ कंडीशन है, तो वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ब्रीच ऑफ वारंटी कोलैटरल है और कंडीशन मेन पर्पस है। तो अगर मेन पर्पस का ही एसेंशियल जो है मेन पर्पस के लिए, अगर वही कैंसिल हो जाए तो कोलैटरल का तो कैंसिल होना बनता ही है, बट वाइस वर्सा नहीं होगा, ठीक है, नॉट अ वाइस वर्सा, यानी कि अ ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। अब हम यहाँ पे कई कई सर्कमस्टांसेस पढ़ेंगे जहां पर व्हेन ब्रीच ऑफ कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, ठीक है। कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, जैसे पहला है वॉलंटरी वेवर बाय बायर। इसका मतलब होता है कि जब कंडीशन पूरी नहीं हो पाती तो बायर क्या बोलता है, माफ कर देता है उसको। यहाँ पर हो सकता है कि बायर का कोई खुद का कोई बेनिफिट हो, ठीक है, तो यहाँ पर वॉलंटरी वेवर का मतलब है माफी दे देना, ठीक है, माफ करना। यहाँ पे अगर ब्रीच हो गया कंडीशन, नहीं कंडीशन हो पाया, तो बायर कहता है चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हम फिर अब कॉन्ट्रैक्ट को आगे किसी चेंजेस के साथ बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे लेकिन अगर कंडीशन ब्रीच हुई है, लेकिन हमने उसको ट्रीट कैसे किया है कि वो जो भी कोलैटरल था वो ब्रीच हुआ है, ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन आती है एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय बायर, या तो बायर होल गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है या फिर सिर्फ उसका कोई पार्ट, ओनली अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। यहाँ पे मतलब इतना ज्यादा बुरी तरीके से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेता भी बायर बोलता है कि चलो मैं गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज बाय लॉ। एक्सक्यूज बाय लॉ हो सकता है कि वो जो भी कंडीशन हो या जो भी वारंटी है वो इम्पॉसिबल है परफॉर्म कर, ठीक है। कोई भी कंडीशन हो सकते हैं जिसमें हो सकता है जो कंडीशन होनी थी, जो परफॉर्म करना था, वो नहीं हो पाया, तो ऐसे में हम उसको एक ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर कंडीशन को अगर ब्रीच हो जाए तो सिर्फ डैमेजेस के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ डैमेजेस लेने हैं, बायर को सिर्फ डैमेजेस लेने हैं, तो फिर वो उसको वारंटी का ब्रीच मान लेता है। कई कई कंडीशंस में आप कह सकते हो कि जब डैमेजेस की बात हो, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे बायर मे क्लेम या जो भी एग्रीव पार्टी है मे क्लेम ओनली डैमेजेस rather than redite the contract, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकता है बायर, तो फिर वो उसको वारंटी का ब्रीच मान लेता है, ठीक है। तो ये था हमारा, जब हम ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेते।
Thank you.